नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उन छोटी छोटी बातों की और उन छोटे छोटे पॉइंट्स की जिनका हमें ध्यान रखना है, जो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। EWS और DG कैटेगरी के तहत बच्चों के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरते समय, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम बात करें उन 7 छोटी छोटी बातों की, उन 7 बहुत छोटे पॉइंट्स की लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स की जिनका हमें ध्यान रखना है बच्चों का एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले। सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी फॉर्म भरें हम फॉर्म को गूगल क्रोम पर ही भरें। गूगल क्रोम की स्पेलिंग आप गूगल जानते हैं, GOOGLE, और क्रोम होता है CHROME। आप गूगल क्रोम का ही इस्तेमाल करें और फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट खोलकर फॉर्म को भरें। यह हम इसलिए कह रहे हैं ताकि इससे आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर प्रिंटर उस समय नहीं है तो आप सेव करके अपने ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। अगर प्रिंटर है तो डायरेक्ट प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, इसीलिए गूगल क्रोम पर हम आपको एडवाइस करते हैं कि आप गूगल क्रोम पर ही फॉर्म भरें। दूसरा, जब भी आप फॉर्म को भरें आपका मोबाइल आपके हाथ में हो, मतलब मोबाइल आपके साथ ही हो, ताकि जब आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे और वहां से आपको पासवर्ड आएगा या कुछ भी और आपको वहां से कम्युनिकेशन आएगा, वह आप सीधा आपके मोबाइल पर आएगा, वह आप देख सके। इसीलिए मोबाइल को अपने हाथ में रखें। आप मोबाइल से फोटो भी खींच सकते हैं, जब रजिस्ट्रेशन नंबर आता है या पासवर्ड आता है आप उसकी फोटो खींच के भी रख सकते हैं। वैसे तो उसका मैसेज आपको आएगा, लेकिन अगर कभी मैसेज में प्रॉब्लम होती है तो आप उसकी फोटो भी खींच के रख सकते हैं। इसीलिए मोबाइल को हैंडी रखें, मोबाइल को अपने साथ रखें। साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स आपको, हमने बार बार बात करी है डॉक्यूमेंट्स की, हमने बर्थ सर्टिफिकेट की बात करी है, बर्थ डॉक्यूमेंट्स की बात करी है, हमने एड्रेस प्रूफ की बात करी है, और आप जिस भी कैटेगरी के तहत आते हैं, चाहे वह EWS है या DG कैटेगरी है, उसके तहत जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उन्हें भी अपने पास रखें। साथ में आपको अपने एरिया का पिन कोड मालूम होना चाहिए। एरिया का पिन कोड, दिल्ली के पिन कोड ऐसे होते हैं 1100, आगे के जो पिन कोड है, आगे आखिरी के जो दो नंबर है वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि वह भरने होंगे। इसके साथ आपके पास जो भी एड्रेस, कोई एड्रेस प्रूफ जरूर होना चाहिए जिस पर आपके विधानसभा और बाकी सब बातों की जानकारी हो, क्योंकि विधानसभा के हिसाब से, जो आप विधानसभा भरेंगे उसके हिसाब से आगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन आपको अलग अलग स्कूल चुनने का मौका देगी फॉर्म भरते समय। इसीलिए आपके पास ऐसा कोई एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जिस पर आपका पूरा पता साफ साफ आप पढ़ सके और आप उसे भर सके, और वहां आप किस एरिया में, कॉन्स्टिट्युएंसी में आते हैं और विधानसभा किसे, वहां उस एरिया की क्या है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। साथ ही हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर आप डेस्कटॉप का इस्तेमाल करेंगे या लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे या साइबर कैफे में जाकर फॉर्म भरेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सके तो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये देखा गया है कि जब मोबाइल से फॉर्म भरे जाते हैं तो एरर आ रही है। इसीलिए आप डेस्कटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे फॉर्म को भरे या फिर साइबर कैफे जाकर फॉर्म को भरे, क्योंकि वहां इंटरनेट काफी अच्छी स्पीड से आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम कह रहे हैं कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो पहले उन स्कूल को सिलेक्ट करें जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स, ज्यादा से ज्यादा जहां पे बच्चों की सीट्स खाली है, वह स्कूल का पहले टिक करें, उन स्कूल्स को पहले सिलेक्ट करें। मैं फिर से एक बार कहती हूँ, उन स्कूल्स को पहले सिलेक्ट करें जहां पे ज्यादा सीट्स हैं। तो ये है कुल 7 पॉइंट्स, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगी। सबसे पहला पॉइंट, फॉर्म भरने के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल करें ताकि आप फॉर्म का प्रिंट ले सके, अगर प्रिंटर नहीं है तो फॉर्म को सेव कर सके।
दूसरा मोबाइल को अपने साथ रखें, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, पासवर्ड आएगा, वह सब आपके सामने हो, आपके मोबाइल पर आएगा या फिर आप मोबाइल से फोटो भी खींच सकते हैं। तीसरा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आपको भरनी होंगी बीच बीच में। चौथा पॉइंट, आपको अपने एरिया का पिन कोड पता होना चाहिए, पिन कोड। पांचवा, आपके पास कोई ऐसा एड्रेस प्रूफ अपने साथ रखें जिसमें साफ साफ एड्रेस आपका लिखा हो, क्योंकि एड्रेस आपको भरना है और उस पे विधानसभा कौन सी है उसके बारे में भी लिखा हो, उसका नाम लिखा हो, क्योंकि वह भी आपको फॉर्म के दौरान भरनी होगी, विधानसभा कौन सी है। साथ ही आप अपने कंप्यूटर, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, आप उस पे फॉर्म भर सकते हैं, आप लैपटॉप पे फॉर्म भर सकते हैं, और या फिर आप साइबर कैफे जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। हो सके तो मोबाइल पर फॉर्म मत भरिएगा, एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप स्कूल के फॉर्म, मतलब आप स्कूल का, जो बच्चों के स्कूल के लिए एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आप वह जब भर रहे हो तो उन स्कूल्स को पहले सिलेक्ट करिए जहां पर ज्यादा सीट्स हैं, क्योंकि इससे चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन के। तो हम उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सारे पॉइंट्स समझ आ गए होंगे, ये सारे पॉइंट्स के बारे में जानकारी हो गई होगी। हम उम्मीद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आपके बच्चों का उस स्कूल में एडमिशन पक्का हो जिसमें आप चाहते हैं। हमने पता है आपने अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करी है, अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चों का बहुत ही उज्ज्वल भविष्य हो और सुंदर भविष्य हो। इसके साथ हम उन सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे और बार बार अपील करना चाहेंगे कि उन सभी बच्चों की मदद करिए जो EWS और DG कैटेगरी के तहत आते हैं। किसी की बेहतर जिंदगी बनने में उसका हाथ थामिए, उसका साथ दीजिए, उसकी मदद करिए। यकीन मानिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तब तक मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।